वो थोड़ी याद है कि उसका कितना अंतर है, काफी थोड़ी याद है, वो भी पूछ नहीं है। क्या माना है ये कब था जो बोल रहे थे? जिसका एमबी कमांड 2.6 किलोमीटर आता है, एमबी कमांड 7.95 आता है, और जिसका एमसी कमांड 14 किलोमीटर मीटर आता है, जिसका नहीं आया वो चेक करो क्यों नहीं आया। उसके बाद रिएक्शन निकाला, सारे लोगों ने रिएक्शन निकाला, क्या हुआ? मोटिंग स्पीड को अर्जुन कर रहे हैं कि डिजायर कैपेसिटी को सपोर्ट करेंगे, तो निकाला, निकल जाएगा, निकाले नहीं, जल्दी निकालो, रिएक्शन रिएक्शन निकला, हमारा निकला होगा एमबी एमसी एमबी का वहाँ निकाले, तू नहीं निकाले, तो निकालते हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, जो रेगुलर स्टार्ट होता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आज हम दोनों कर्ज लगा रहे थे, छुट्टी के बाद नहीं बताने वाले हैं, ये फैक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। W3 meter per minute. This time,
and to discuss any health risks or even medicine to अब क्या है कंटिन्यूअस बिल्डिंग क्लासेस कंटिन्यूअस में क्या है हमारे फिक्स अगर एनर्जी आया है एक अब ये क्या हो रहा है ये हमारा कंटिन्यू है सीटी पोसेस जो है कंटिन्यू है ना और वन इंच क्या ओवर एनर्जी
ये प्रॉब्लम डिस्चार्ज करवा दो, ये प्रॉब्लम डिस्चार्ज। अब तुम्हारे बोर्ड में जैसा भी क्वेश्चन आया सब बन जाएगा। और आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, तो कल से स्टार्ट होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन न कर करके हम ट्रस से स्टार्ट कर देते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, जैसे कंटिन्यूस अभी दूर में टाइम लगा है, ऐसे नहीं। ट्रस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे माइंड में कितना होगा कि पीटी के पहले केवल एक यूनिट बचा है, सारा यूनिट कंप्लीट हो गया, तो साइकोलॉजिकली तुम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तारीख होकर के बंद होकर फिर खुलेगा सर। आनंद भाव पता है कभी अभी पता नहीं है, पाँच को दस नहीं है तो कैसे होगा, नहीं होगा इसको किराए से चलेंगे ना, दशहरा मनाएंगे तो कल होके चलेंगे ना, और ज़्यादा अरे तो सात चलेगा तो शाम को पहुँचेगा तो आठ से चलेगा, सात या आठ के पास कर सकते सारे लोग। पटना ही के रहने वाले हो, पटना के कितने लोग हो, एक दो तीन चार पटना के, तो तुम लोग छः को भी आ सकते हो, दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर वाले लोग दिल्ली या मुंबई से लोग आते हैं यहाँ छठ मनाने, दशहरा दीपावली एंड छठ, दीपावली और छठ में जाएंगे दशहरा, लेकिन क्षेत्र कम नहीं पड़ा, जैसे पाँच को दशहरा है, कई दिन का पंडाल लग रहा है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही, मौसम फूलों में नहीं आ पाओगे लग रहा है, छः तारीख को मोटी में सर जिससे काफ़ी भीड़ रहे, पाँच को दशहरा है, छः को गुजर पाँच की रात से शुरू होता है, लेकिन मान की जरूरत है सोच रहे हैं तो पता नहीं कि ऑटो मुझे मिलेगी कि नहीं, पटना जंक्शन से अपने घर तक आने के लिए जंगोला मिलेगा कि नहीं, ऑटो के साथ बहुत भीड़ है, देखते हैं कि और क्या है, किसे भी जो बुलाएंगे क्या कहने चाहिए। चलो हो गया, अब दोनों प्रॉब्लम बेस ऑन है, तो मेरी का बेस ऑन ओवर हैंगिंग भी, दो मेरी का बेस ऑन ओवर हैंगिंग कंटिन्यूस बीम, एक कंटिन्यूस बीम, एक कंटिन्यूस बीम, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, और सिंपली सपोर्टेड एट ए, simply supported at capital A, comma capital B, simply supported at capital A, comma capital B and capital C, and the end and the end. And the B is P. And B is P. Question. The length of the spine AB is equal to. The length of the spine AB is equal to 4 meters. BC is equal to 4 meters. And CP is equal to.
Then S band AB, capital A, capital B, carries a point to the off. Then S band AB carries a point to the off 5 km. Then S band AB carries a point to the off 5 km. At running S band. Then S band AB carries a point to the off 5 km. At running S band. The S band B, BC, the S band capital B, capital C, the S band capital B, capital C, carrying the linear arc, carries a linear arc, 3 kilometers per meter, plus or The span CD carries another point to draw. The span CD carries another point to draw 2 kilometers. Carries another point to draw 2 kilometers. At the present, at the free end, the capital T. Draw the shear force and bending moment diagram. ऐसे diagram question में नहीं क्या होगा या original question देखो इसमें question back नहीं कर सकते या कभी कभी question में diagram दे देता नहीं language के बारे में question होगा समझना है डायग्राम आपका से ड्रॉ करना है क्वेश्चन क्या कहता है ए बी सी डी ए बी इसमें से कहता है ए बी सी की सबसे पहले ए बी सी डी हो गया सिंपल सपोर्ट सी बी सी की सपोर्ट और डी जो है ये कैंटिलीवर है बी कैंटिलीवर कोशिश करा हमने क्या रहा है फ्री है फ्री एंड का मतलब क्या होता है एंड फ्री का मतलब कोई सपोर्ट नहीं है जब कोई सपोर्ट नहीं हो और एक साथ चीज हो तो वैसे भी तो हम कैंटिलीवर कहते हैं पहले ही तो बोला सब का स्थान दिया हुआ कितना है इसका है 4 मीटर इसका भी कितना है 4 मीटर और इसका कितना है 2 मीटर एक भी होगा कंसंट्रेटेड होते हैं 5 मीटर कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ से 2 मीटर BC के ऊपर UBA है कितना है ये 3 किलोमीटर और D के क्या है 2 किलोमीटर का 3 एंड 3 अब एक चीज को बता देते हैं जब भी कैंटिलीवर लीवर भी होता है तो उसके स्पैन का बेंडिंग मोमेंट नहीं होता कितना नहीं करता है सपोर्ट का मोमेंट नहीं करता कभी भी बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड करते हैं किसी भी कैंटिलीवर का या ओवर हैंगिंग का उस कंडीशन में इसे आपको पढ़ा होगा तुम लोगों ने तो ये बेंडिंग मोमेंट कहाँ करेगा यहाँ पर नहीं यहाँ पर सपोर्ट लेकिन ऐसे तो हम प्री बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं ए बी एस टाइम भी निकालते हैं और ए बी एस टाइम भी क्या होता है डब्ल्यू बाई फोर यहाँ पर है इस टाइम पे निकालते हैं अगर बेंडिंग मोमेंट ए में निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा है ना
और मीटिंग में एक्चुअल डिमांड तो मीटिंग एक है हमारा एज करेगा ऐसे सिक्योरिटी सपोर्टेड और सिक्योरिटी सपोर्टेड क्योंकि यहाँ से मोमेंट स्टार्ट करते हैं वो मोमेंट जीरो होता है बता दीजिए कहाँ पर है क्वेश्चन मीटिंग में क्या कहाँ रिएक्शन निकाल तो यहाँ क्या है अगर ओवर एंडिंग होगा फिर होता है यानी कैंटिलीवर के फॉर्म में होगा जिसके स्पैन का बेंडिंग मोमेंट एंड नहीं करता बल्कि सपोर्ट यहाँ से भी कैंटिलीवर की है ना उस वाइड डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट को मार किस पर अगर कॉपी कैंटिलीवर की स्टार्ट होता तो बेंडिंग मोमेंट को मार किस पर स्पैन का नहीं होता स्पैन भी वहां लेते हैं जहां से भी सपोर्टेड फॉर्म या फिर स्पिन होता है उस केस में जब लोड ऐड करता है लोड के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है अगर स्पैन में निकलता है मेरी बात समझ में आई ऑब्जेक्टिव ये आता है क्या हम निकाल अगर कोई भी कैंटिलीवर के फॉर पे हो तो उसका बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर के ऊपर को निकाला होगा सी एफ ओ बेंडिंग मोमेंट ये बेंडिंग मोमेंट जब यहाँ निकाले तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं जो लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड है और उसके लोग ऐड कर रहा है उसके लिए स्टाइल या बेंडिंग मोमेंट निकल रहा है और सपोर्ट का निकालने के लिए क्री मोमेंट इक्वेशन आता है सपोर्ट ए सपोर्ट बी सपोर्ट सी की जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उसके लिए क्री मोमेंट इक्वेशन आता है लेकिन स्पैन के लिए जो क्री मोमेंट निकालेंगे वो क्या होगा टू डायरेक्शन है वो जो फॉर्मूला है हमारे यहाँ सेंट्रिक रोड है तो डब्ल्यू एल बाई फोर अगर सेंट्रिक रोड है तो डब्ल्यू यू बाई एल न्यूक्लियर है तो डब्ल्यू एस पर बाई एल हाँ यानी प्रैक्टिस कर चुके हम रिपीट कर दिया दोबारा हम इस तरह से कर रहे हैं वही अभी बता दिया सबसे पहले नो सी बी एक्ट एज ए कैंटिलीवर मीन एक्ट एज ए कैंटिलीवर act as an anti-glur so moment gets a moment could be at a support and see that means f suffix on the बना दो सारे अब स्टेप वन में सबसे पहले क्या निकालेंगे पॉइंट थ्री बेंडिंग मोमेंट
कंसीडर एस फैमिली देखो एस फैमिली आ रही है लेकिन एड ए नहीं कर रहा है बी नहीं कर रहा है इस फैमिली आ रही है क्या हम बोल रहे हैं क्या आप निकाल रहे हैं ये नहीं क्या करेंगे कंसीडर बेड़ी होगी ये निकाल बता रहे हैं पहले भी जितना कंट्री कुछ पता है सब ऐसे लिखा होगा देखो आप कट करके इस टाइम ये बराबर क्योंकि ये कंसंट्रेटेड हो गए इसकी निकलती है बात और इस डायग्राम के लिए किस पर किए रखा है कि ये पे डायग्राम ड्रॉ करना है डब्ल्यू वाई को डब्ल्यू कमान क्या है वाई अब कंसीडर करेंगे इस टाइम भी तो वेडिंग मोमेंट है इस टाइम भी सी क्या होगा W A S बार आगे W कमान कितना है N कमान कितना है कितना हो गया कितना सी आपको अभी सीडीएस लाइन के लिए निकालेंगे अभी पहले ही बता दिया हमने कि सीडीएस लाइन के लिए नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा अब निकालेंगे टू फाइंड मोमेंट एट सपोर्ट ए बी सी डी सपोर्ट नहीं है नोटेड यस देन अगर ये देखो एक चीज और यहां सर अगर ये ओवर हैंगिंग क्रिएट होता है कैंटिलीवर के फॉर्म में नहीं होता तो ये जो बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं ए सी का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ वो सिटी से बोल रहे हैं उसका मान जीरो हो जाएगा लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा जितना बताते हैं तो बहुत जितना होगी कहाँ से उसको अरेंज किया जाए Thank you.
कंसीडर करें इस टाइम ए बी बी सी अप्लाई द मोमेंट इक्वेशन क्या होगा एम ए एल वन प्लस फाइव एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू बराबर माइनस सिक्स ए वन एक्स वन बार माइनस सिक्स ए टू एक्स टू बार आपके लिए सपोर्ट ए बी सी की सपोर्ट व्यवहार आया नहीं सपोर्ट ए एक्ट एज अब इसी क्वेश्चन में और आसान क्या हो जाएगा ट्वाइस एम बी इंटू एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू बराबर है माइनस सिक्स ए वन एक्स वन बार माइनस सिक्स ए टू एक्स टू बार एम सी सपोर्ट एट मोमेंट सी हेलो हाँ बोलिए कहाँ से इजी वे से अच्छा हाँ हाँ आ जाए हाँ हाँ आ जाए अच्छा आ जाएंगे अभी जरा सा बाहर निकल के आप ठीक हाँ ठीक सपोर्ट सी एक्ट एज ए कैंटिलीवर आ जाओ सो सो मोमेंट एक्ट सी एक्ट एज सी क्या क्या अब एम सी का मान भी सब कुछ है क्या हो गया हमारा टू एम बी इलेवन का मान एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एम सी का मान कितना है हमारा फोर अब देखो ये कितना आसान है होगा लेकिन और आसान है तो एम बी एल टू का मान कितना है फोर ये एलेवन हो गया नेक्स्ट वन का मतलब दूरी को ये जाप नहीं सकता है बहुत दूरी को बराबर माइनस सिक्स ए वन एक्स वन बार बटे एल वन माइनस सिक्स ए टू एक्स टू बार बटे अब यहाँ पर क्या होगा चार चार आठ तीन सोलह सोलह एम बी प्लस ए बराबर माइनस सिक्स ए वन एक्स वन बार बटे एल वन माइनस सिक्स ए टू एक्स टू बार बटे देखो यहाँ एक ही मोमेंट निकलेगा बी जो निकलेगा सी जो आसानी से कह दिया है कि केवल बी जो निकला ए को जीरो हो जाएगा बी का जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या आठ जो है तो चार चार हो जाएगा
हो गया, इसलिए कह सकते हैं 16 एमबी बराबर माइनस 6 a1 x पर बार बटे a1 माइनस 6 a2 x बार बटे a2 और माइनस 16 होगा कि नहीं और इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन की होगा इधर भी एकदम सिस्टमेटिक है ओवर है क्योंकि और आसान है इससे उन लोगों के उसमें ज्यादा निकालना होगा ओवर है क्योंकि अगर आता है इससे लगता है पहले इसी को बनाता हूँ यानी पहले का नॉलेज अगर पार्ट है किस क्वेश्चन को अटेंड करें कि कम टाइम में बच्चे का निश्चित का और वो ढाई घंटे का समय होता है तो वो ढाई घंटे का रहता है 3 घंटे का बीटेक का और ढाई घंटे का रहता है बीटेक में ढाई घंटे में इसका जस्ट डबल क्वेश्चन आता है क्या मैंने क्या है कि तू देखना प्रोसेस बनाना डबल नया प्रोसेस से कम से कम आप तो चेक करेगा वहाँ पास करना और उसने सुनो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये भी का करता है ये थ्योरम होता है जो चार नंबर या छह नंबर में और ये आठ नंबर या दस नंबर में जो पार्ट है सब तुम्हारा रहेगा 14 मार्क्स एक क्वेश्चन हुआ होता है टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है ज्यादा करके 70 नंबर का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव है जिसमें 5 क्वेश्चन का आंसर 7 क्वेश्चन का बनाना है 7 × 19 = 1 वो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का अब बाकी 4 और क्वेश्चन बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन उस लॉन्ग क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं होगा ए बी उस सब्जेक्ट में ए बी सी डी करके ए बी सी डी तुम्हारे ऐसा नहीं होता है क्या बहुत आसान है अपने टाइम जैसे सेव किया जाता है वो हर लोगों को बताना पड़ता है ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो टाइम बचेगा तब बाकी क्वेश्चन अटेंड होगा नहीं तो फिर उसको नहीं होगा जिसको एक्सप्लोर करना है स्कोर करने के लिए वो क्वेश्चन पकड़ना है कम समय में और कॉन्फिडेंस हो गया ये ध्यान रखना होगा अभी मैं प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्पिटिशन का आता हूँ बीटेक करना होगा करना चाहिए मुझे नहीं कॉम्पिटिशन भी जाता हो गया अब निकालेंगे जो पॉइंट ए वन एक्स वन बार एंड ए टू धीरे से नहीं सर जो दिक्कत हम लिखते स्टार्ट करो a1 x1 बार जिसको आता है पढ़ाइए हमारा मन है टू फाइंड a1 x1 बार एंड a2 x1 बार इसमें a1 x1 बार कहां से निकालेंगे हम इसमें a1 x1 बार अरे a2 x2 बार इस पर जैसे हम लिखते थे देखोगे इससे पहले क्वेश्चन में सब सब साफ साफ नहीं थे तो होगा ऐसे में क्या है एसिमेट्रिक नहीं है तो जहां से भी सब्ट्रैक्ट इस पर लाइक
अगर ये सेंटी होता तो ये सेंटी W1 प्लस A1 डिवाइड बाय A1 या W प्लस A1 डिवाइड बाय A1 पता नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ से क्या X1 फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं सेंटी एक्स वन बार बराबर किया हमने टू एक्स वन बार क्यों हुआ इसलिए ए वन एक्स वन बार ए वन का मान आया दस एक्स वन का मान आया टू निकल गया ए वन एक्स वन बार अब निकालेंगे ए टू एक्स टू बार from this fact figure draw कर दी यहाँ figure जरूर draw करोगे इसे तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा जब इसे ठीक तो है तो इतना आसान बन जाएगा एक तो draw कर two fact into base into fact ठीक है सी डी एक्स बार फ्रॉम एंड सी एक टू बार बराबर क्या इस टाइम राइट हैंड का इसलिए ए टू ए टू बार बराबर क्या हो गया सोलह इंटू टू आप कुछ कर देंगे ए वन एक्स वन बार एंड ए टू एक्स टू बार इन इक्वेशन इक्वेशन ये हमने डिलीट कर दिया है रेस कर दिया है आया तुम्हारे पास बताओ एनबी का माना क्या माइनस फाइव बाई एक्स माइनस फाइव बाई एक्स कितना गया है एनबी का मान माइनस फाइव बाई एक्स क्या करेंगे रूट एक्स टू बार ए वन एक्स वन बार एंड ए टू एक्स टू बार माइनस टू इक्वेशन ए अब इक्वेशन ए में रूट करेंगे तो क्या निकाल लेंगे एनबी का मान निकाल लेंगे एनबी का मान कितना है आपको वेजेने में कुछ करो तो एनी का मान आ जाएगा माइनस 5.875 माइनस 5.87 और तीन दिन के टाइम में एमसी का मान पहले ही मिल चुका है टू इंटू फोर आइए माइनस होकर के प्लस अगर एमसी का जो मान दिया था वो प्लस होकर के माइनस माइनस इसलिए डायनेमिक साइड से क्लॉकवाइज मूवमेंट में जो है वो बताया हुआ है आया सारे लोग तो हमारे सारे पार्टी से हो अब ड्राइव डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसका समूह का जिसमें मोमेंट डायग्राम करते हैं क्यों इसमें मोमेंट डायग्राम एंड सपोर्ट कर रहे हैं मोमेंट एट ए जीरो मोमेंट एट बी कितना है माइनस फाइव पॉइंट फाइव एस और मोमेंट एट सी कितना है फोर एस और इसमें क्या होगा मोमेंट बी पे जीरो 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 होगा हमारा काम यहाँ डाटा लिखोगे यहाँ से यहाँ
ये कितना गया 5.8 ये आ गया 2 की वैल्यू ये कहने से आ गया भी मोमेंट है ना अब इसका रिजल्ट भी डायग्राम बना दो और कंपेयर करो ये मान के आप ये पॉजिटिव ऊपर वाला तो इक्वेटिंग होगा और ये मान दिए ठीक है ये हम इस तरह से कर देते हैं ऐसे नहीं कर सकते साफ कर देते हैं यानी फुल किलोमीटर की दूरी यहाँ ये 5.7 किलोमीटर की दूरी यहाँ पॉइंट सी के तो बेटिंग यस क्या हुआ साइन फोर आया साइन साइन प्लस आया ये माइनस आया कौन हुआ थी ये प्लस माइनस सी आया क्या क्या हुआ माइनस आया टू इनटू टू क्रॉस का है जैसे साथ से लेते हैं ये क्या हुआ बता चुके हैं यस नहीं बताया क्या बताया ये कैसे बदली कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है पहले ही हमने बताया है देखो यहाँ चीज याद रखो यहाँ पर देखो कोई बीम है फॉर्मूले इसको फिर से काट दिया मान अगर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लेते हैं आर ए ले इसमें जो अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव लेफ्ट साइड से लेफ्ट डाउनवर्ड जो होगा वो निगेटिव एंटी क्लॉक ये क्या है क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं राइट से स्टार्ट करेंगे देखो इसको बुरा राइट हैंड साइड से ले रहे हैं आर एच एस अब इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे पहले सर तो शेयर बोर्ड बेटी को तक तक छोड़ चला नहीं सकते बोल देते हैं या बोल गए और बस एक जैसा क्लास में वहाँ बताया डिजिटल बोर्ड में बता रहे थे तो ये मार दिखा रहे हैं अपवर्ड फोर्स नेगेटिव डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव ये क्लॉक का जा रहा है नेगेटिव ये साइड चल रहा है कितनी बार हम पढ़ा है डिजिटल बोर्ड पे लगता है कितनी बार हम पढ़ा है आप सिर्फ देखिए आपके पास अब आओ जबकि प्रायर बात है किस जगह पर प्रायर है तब देखा तो के टू की क्या रेट है 25 25 क्या है 25 आर 25 आर 25 अगर तुम अब रिजल्ट डायग्राम ड्रा करो जाने के बाद अब रिएक्शन निकालो एज सपोर्ट ए बी सी निकल जाएगा सेम बेटर और आसान तो है पहले ए बी लो बी ए बी सी सब दे लो तो बेटी भी आता है दिया था Thank you.
एकदम बेसिक कॉन्फिगरेशन का। जब ये एडी एक्सपेंस आगे तो मोमेंट बी पे लेंगे सारे का मान निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, जब आप सारे का मान निकल जाए तब हम क्या लेंगे, हम बीसी एक्सपेंस। अब बीसी एक्सपेंस में हमको या तो मोमेंट बी पे निकालना हो या सी पे निकालना, तो मोमेंट बी पे लेंगे, बी पे लेंगे या सी पे लेंगे, तो फिर सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 कर देंगे सर होना नहीं कर रहे क्या लिख रहे जो के बाद में जो आर जी को मानता
करना आसान है। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? टू फाइंड आरसी, आरसी का मान तो बचा ही रहे, आरसी का मान टू फाइंड रिएक्शन एक्शन को सी क्या निकलेगा? आरएबी ना सर, आरसी निकल गया। तो निकाला है टू फाइंड रिएक्शन एक्शन को सी आरबी क्या करना है? एग्जामिनेशन ऑफ बी इंडिविजुअल टू ऑपरेट। अगले लेंगे क्या होगा? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी माइनस फाइव माइनस थ्री बी टू फोर 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 माइनस बराबर। और यहाँ पर देखोगे तुम्हारा आर ए का मान निकाल दीजिए, आर ए सी आर सी का मान निकाल दीजिए, आर ए का मान नहीं निकल पाएगा। आसान, मुझे लगा कि सी के हेल्प लेके तुम निकाल सकते हो। हां एक्चुअली क्या क्या है सी, सी का मूवमेंट पता है सर, आप निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो, उधर लेफ्ट साइड से दिया है, लेफ्ट साइड से निकाल ले कर दीजिए। हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, ए बी सी सी डी ऐसे निकालते हैं। आरबी का मूल्य कितना आ रहा है? क्या हो? आरबी का। आरबी का मूल्य? हाँ सर, रिएक्शन। क्या आ रहा है? आरबी का कितना आ रहा है? सर एमसी में तो सर इधर वाला रिजल्ट आएगा, एबी वाला रिजल्ट मतलब ये कहां एबी वाला बोल दिया? हम एसपाइन एबी वाले पे एबी को रोटेट करा, बीसी वाले तो बीसी पे रोटेट करा, ऐसा तो सी लेके तो निकाले आरबी का वाला, तो मोमेंट नहीं निकाला है, शेयर को भी मोमेंट नहीं पड़ा है, तो रिएक्शन का मूल्य तो पढ़ लेते हैं। अंदर ही आगे का वैल्यू कितना है? हां आगे का वैल्यू में आगे 0.39 30 सर अभी चेक करो, चेक करो, चेक करो। देखो रिएक्शन का मूवमेंट जो हम सी पे निकाला, ये सी पे मूवमेंट निकलेगा रिएक्शन का। अब तुम कहोगे सर हम सी पे मूवमेंट लेके क्यों नहीं निकाल सकते, लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं, बी पे मूवमेंट ले लिया आर का मान, बी सी पे भी हम सी पे बी पे मूवमेंट ले रहे हैं पास ही होता है, ठीक है। और जब आर सी का मान निकल जाएगा तो आर बी का मान निकलना है, सिर्फ आप ये सीखने के लिए इस तरीके का काम करता है। आसान तो है, कहीं नहीं सीधा सीधा कहीं कैलकुलेटर में कहीं जो होगा सर गया क्या है? थर्टीन पॉइंट फोर नाइन। अब क्या करेंगे? टू पॉइंट सेल फोर नाइन करेंगे, सेल फोर नाइन का प्रोसेस आईसी और बता दें तुम लोग, अगर क्वेश्चन में टू फाइंड सीएफ को डायग्राम नहीं आता है तो सीएफ को डायग्राम ड्रा नहीं करोगे, क्योंकि टाइम बचे रहेगा, जितना क्वेश्चन का आता है वो ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आया तो निकालेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एक कंटिन्यूअस बीम ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए कंटिन्यूअस बीम ए बी सी डी ई हैज इट्स एंड, ए हैज इट्स एंड
ए डायग्राम। देखो दोनों साइड ओवर है नहीं, तो मोमेंट एट बी एंड मोमेंट ऑफ बी तो आसानी से निकल जाएगा। मोमेंट एट बी फोर्स इन प्रॉपर्टी, यस सर। आप मोमेंट एट बी के आसानी से निकल जाएगा टू इन दिस प्रॉपर्टी। निकालना किस साथ सेम सी में बता, निकालना आसान है, देखने में फिगर लगता है लेकिन ओवर हैंगिंग का सामना है, क्योंकि एन डी और एन डी द्वारा निकल गया केवल एम सी का नहीं, सिर्फ देखने में तो लगेगा कि फिगर लगता थोड़ा है और उसका सोल्यूशन कौन सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फिगर ड्रॉप कर। At point B is act as a tangent and at point B it will act as a tangent. So due to acting cantilever action of a span AB and BE, so moment at B is equal to if you have to be into this distance 2 into 1, I enter the power of the bias and the right to minus 2. A support to moment one of the jay and the power of the power. And of the move in B for I am moving in B, स्पेयर करें डीप में सपोर्ट करें, अगर एक कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा तो सपोर्ट करता है, तो ये क्या है क्लॉक वाइज है राइट साइड से क्लॉक वाइज चलता है तो नेगेटिव हो जाएगा एंड देन जैसे कि 2 into 1 minus 2 into 1 यानी पी और पी पर तो ऐसे ही होता है, सी पे आराम से निकलता है क्या यानी आप उस डायग्राम में भी कुछ नहीं बोल क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो
बोले थे रेलवे मतलब नहीं कटा है हाईवे हाईवे क्या क्या बोले थे पढ़ाते थे मतलब वो पहले भी पढ़ा मैंने इला देखो आप मिस्टर थोड़ा कभी लंबा नहीं है फिर मार देते चेक कर देंगे हमको कुछ काम रहता है कैन यू डू मी सो मूविंग एट बी इन बी माइनस टू इन वन माइनस इन बी मूविंग एट बी minus 8 2 equals 1 minus 2 अब कहते मिल गया तो होगा a में और एक b की और एक u की है बट और इसमें इंजीनियरिंग मल्टीप्लिकेशन एक ही स्टाइल में निकालने की प्रॉब्लम है बहुत अच्छा है अगर टकराए और रहेंगे तो एकदम ऐसे में इसको टेस्ट करेंगे अरे कम सर कम टाइम में अब क्या करेंगे 2.3 बेटी होने क्या होगा यस बेटी को किसका लेते हैं यस पैन बी सी बता सकते हैं बेटी को पैन बी सी बराबर क्या कंसेक्यूटिव रूप में सी W कितना है एन कितना है सिक्स कितना है अब जो कैंटिटी मैंने मम्मी कह दिया है और फिर डायग्राम नहीं होगा स्पाइक का डायग्राम होगा ये समझना ओवर एंटी में केवल स्पाइक का डायग्राम होगा तो स्पाइक का प्री बेटी मम्मी जो निकालते हैं वो स्पाइक का निकालते स्पाइक का डायग्राम तो कहो कि ये सभी का सर कैंटिटी वन ये तो मोमेंट है ई एंड मोमेंट है डी निकला सपोज स्पाइक का कहां निकला क्योंकि ई भी स्पाइक नहीं है हमारा क्या हमारा ये अगर सपोज हो पता है स्पाइक अब क्या करेंगे टू फाइंड मोमेंट एट सपोर्ट
बी सी एंड डी, बी और डी में भी निकल दो तुम्हारा केवल फिर बता रहा है आया नहीं टू फाइंड ठीक है कि जैसे मेथड है वैसे ये हो गया सारे लोग का रूम कर दिया रेस्ट में
नहीं आती है तो सुबह शाम दोनों टाइम करा सकते हैं और सवाई सकता है दोनों के कार्ड क्या है दोनों जब घर को नहीं आना है तो फिर सुबह शाम दोनों क्या करते हैं अब इतनी बार तुम अपने से निकालो नहीं आ रहा निकालने निकालो इस स्टेप को एरेस करें जैसे हम लिखते हैं सब एक प्लस टू बार एक थ्री इस बार आज फिगर बनाते हैं ऐसे फिगर बना जाते हैं वाला देखें इसको नहीं जवाब
तुम्हारा क्या आया क्वेश्चन पेपर बन गया, रिएक्शन अपने से निकालो, हो गए सर।
Gracias.
बाहर में बात जाएंगे कल में AB. 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 AB.
Thank you.
कंसीडर इस पॉइंट
ए बी बी सी हो गया। अप्लाई करने के थ्री प्रॉपर्टी इक्वेशन है ना, जरा ये तो क्या होता है यहाँ आप देखो, एल ए एल वन प्लस वाइस बी एल वन प्लस एल टू प्लस एक्स यू एल टू बराबर माइनस सिक्स ए वन एक्स वन पास माइनस सिक्स ए टू एक्स टू पास आया। क्योंकि एम सी क्यू मान क्या निकला है बात करें तो थर्टी इंटू यू थर्टी हाँ जी मैं यू टू कैंटी एम सब इसी बराबर माइनस थर्टी इंटू टू बराबर माइनस अब इसको क्या करेंगे टू करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा आपने ए एल वन का मान है सिक्स प्लस फाइव एटी सिक्स प्लस सिक्स प्लस एम सी एम सी का मान कितना है माइनस सिक्स इंटू सिक्स बराबर माइनस सिक्स ए वन एक्स वन बार करने के लिए माइनस सिक्स ए टू एक्स टू बार करने होगा क्या नहीं। अब इसे तुम्हारा नियम क्या है केवल एम ए बी एन होना है देखो यार ये भी इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे a1 x1 बार और a2 x2 बार निकालेंगे के बाद टू फाइंड इसको इक्वेशन सी मान लें टू फाइंड a1 x1 बार एंड a2 x2 बार लिखेंगे a1 x1 बार फ्रॉम एक्सपैंड क्या डायग्राम ड्रॉ कर देंगे ये कितना है और नाइन ए वन बराबर है टू थर्ड इंटू बेस ये होगा तीस तीस पिछले एक सौ अस्सी मिनट सी जी एक्स वन बार फ्रॉम ए क्या होगा एक्स वन बार फिजिकल टू है इस टाइम बाई टू इस टाइम कितना सिक्स बाई टू इसलिए ए वन एक्स वन बार बराबर क्या हो गया थ्री सिक्सटी इंटू थ्री दस अस्सी आया नहीं क्या निकल गया सिमिलरिटी। अब निकालेंगे एक प्लेस हुआ कितना देर लगा करने के आसान है
सब put the value of a1 x to bar and a2 x to bar. The last topic of this class, that is the same complete book here. A1 x to bar and a2 x to bar in the equation C. -680 -5 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
आइए आ जाएगा 10 प्लस 3 6 7 सब कुछ घटा दो हम -12 से 7 हां तो बराबर हो गया माइनस 12 से 7 क्या 6 8 8 10 4 3 अब क्या करेंगे हम यहां से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया 8 8 प्लस 6 इक्वल टू 4 8 बराबर माइनस 12 से 7 इसलिए 8 8 प्लस 4 8 बराबर माइनस 12 से 7 6 क्या माना है इसको माइनस 12 से 7 माइनस 12 से 10 अब इसको इक्वेशन की अब इक्वेट कर लो इक्वेशन 1 एंड 2 को गेम और एंड को मान निकल जाएगा लेकिन किताब के मेथड से नहीं बनाओगे जैसे स्केल वाइज बनाते हो ना वैसे बनाते चले जाओ ठीक है आप देखो यहां से दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एन ए और एन बी कॉमन मिल जाएगा एक से पहले मिल चुका है है आसान निकाल दो पहले एन ए एन बी और सी में चेंज सी भी दो सी का मान निकाल सकते हैं काटने की तो मान सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं बल्कि सिंपली सपोर्टेड में ओवर हैंगिंग है तो वो ज्यादा आसान है फिक्स में तो का सतो इक्वेशन आ जाता है जैसे सुनो ये आप सारे लोग आसानी में जो क्वेश्चन बैक कितने लोग हुए तो उसमें इस टाइम जिस तरह से हम लिखते हैं वैसे नहीं लिखता तुम लिख सकते जैसे हम बताया वैसे लिखो जैसे समझ जाएगा एग्जामिनर की थोड़ी किया तुम पता चल गया मैंने थोड़ा बैग लाया है या मोबाइल लगा हो गया है देखो ये स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा अभी बता रहे थे अगर तो बहुत सारा स्क्रिप्ट जो है हिम्मत करता है जब तुमको समझ पा जाएगा तो तुमको किसी बुक की जरूरत नहीं तो बनाते चले जाओ खाली आंसर निकाल एम ए एम बी और एम सी का मान मिल गया अब ये एम ए बी और एम सी का मान निकालने के बाद रिएक्शन निकाल लो यहाँ पहले डायग्राम ड्रा कर एम ए एम बी एम सी का मान आ जाएगा सही नेट बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है
नेट का मतलब होगा दो बेटे मोमेंट का एवरेज है, माइनस कर देंगे तो नेट बेटे नेट रिएक्शन वही हुआ। पहले तो रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकालने के बाद अगर कोई रिएक्शन का वैल्यू निगेटिव आता है तो नेट का निगेटिव नहीं आता तो नेट डिपेंडिंग मोमेंट भी वही हुआ। और किसी को कुछ पूछना है पहले देखो इक्वेशन ला दिया तो ये भी निकाल दो, ये भी निकालना है उसके बाद क्वेश्चन पेपर चाहो तो देख लो और देखो एक क्वेश्चन बनेगा जो तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है उसमें कि तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना, तुम्हारा काम ये मेन दस बता न्यूमेरिकल में केवल कंसेप्ट होता है और मेथड होता है, कैसे होता है कहाँ से लेते हैं वो जानेंगे और कैसे उसको फॉलो किया जाता है जानने जाएंगे। और तुम लोग एक बार चेक